अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह दोस्तों, आज की वीडियो में आपका भाई बताने वाला है कुछ ऐसे बॉक्स पैक मोबाइल फ़ोन जिस पर 10-10 हज़ार रुपये डाउन हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता। आप मार्केट में जाओगे तो आप पुराने प्राइस पर ले लोगे और अपने 10 हज़ार रुपये का नुकसान कर लोगे। तो ये वीडियो देख ले, आपकी काफ़ी बचत होने वाली है। भाई आप भी परेशान होंगे कि 18% टैक्स लगने के बाद ऐसे कैसे हो सकता है आसिफ भाई के प्राइस तो अप हुए, 10-10 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपये कैसे गिर गए। तो भाई मैं आपको बता दूँ, 1.5 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था, डॉलर जो है ना काफ़ी इंक्रीज हो गए थे कि बॉक्स पैक भी जो 18-20 हज़ार रुपये का मोबाइल फ़ोन था वो 40-50 हज़ार में बिक रहा था और आम आवाम ले रही थी भाई, और मार्केट काफ़ी तेज़ थी, दुकानदारों ने लाखों रुपए कमाए और इसके साथ साथ दुकानदारों से भी कमा रहा था और आम आवाम जो मोबाइल फ़ोन यूज़ में उसने लिया है तकरीबन 18 हज़ार रुपये का 25-25 हज़ार में बिक रहा था, काफ़ी मार्केट तेज थी। लेकिन अब मामला उल्टा है, 18% टैक्स क्या लगा, मार्केट ऐसी डाउन हो गई कि दुकानदार शॉपकीपर परेशान हो गए। काफ़ी माल तो स्टॉक किया, जब आवाज़ आ गई कि 18% टैक्स लगने वाला है तो काफ़ी शॉपकीपरों ने लाखों रुपए का माल सेव कर लिया और स्टॉक कर लिया कि यार माल जैसे इंक्रीज़ होगा, टैक्स लगेगा 18%, तो भाई हमें 5-5, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये एक एक मोबाइल फ़ोन पर मिलेंगे। लेकिन मसला ये है कि जैसे ही इंक्रीज़ हुए, कंपनी ने प्राइस तो बढ़ा लिए लेकिन माल नहीं बिक रहा है। काफ़ी दुकानदारों के पास बॉक्स पैक की वैरायटी पड़ी हुई, 30-30, 40-40 लाख का माल पड़ा है कम से कम, तो वो क्या करे। लेकिन फिर कंपनी ने भी सोचा, यार हम भी कुछ ऑफर लगा ले अपनी आवाम के लिए ताकि हमारा स्टॉक निकले, ठीक है। तो इसी तरह भाई सबसे पहले नंबर वन पे बात करूँगा, अगर आप लेने जाए रियलमी का C53 तो भाई इस पर तकरीबन 9 हज़ार रुपये डाउन हो चुके हैं, टैक्स लगने के बाद 40 हज़ार रुपये का हो गया था। कितने का? 40 हज़ार रुपये का। अगर आप लेने जाएंगे ना तो आपको 31 हज़ार रुपये का मिल जाएगा। 6 GB रैम और 128 GB मेमोरी होती है, 720 का रेजोल्यूशन होता है, 33 वाट का फास्ट चार्जर आता है, काफ़ी तकड़ा फ़ोन है और सच के इसके आईफोन वाले। अगर आप लेने जा रहे हैं रियलमी C53 तो भाई सबसे पहले ये ले लें, इस पर काफ़ी बचत ऑफर आई है तो फ़ायदा उठा ले। आपका भाई बता रहा है कि 40 हज़ार रुपये का ना ले लेना, 31,500 में आपको बआसानी मिल जाएगा। नंबर टू की बात करूँ तो मैं बात करूँगा इनफिनिक्स ओट 40i, इस पर भी प्राइस बढ़ गया था, 32-33 हज़ार रुपये का मार्केट में बिक रहा था। लेकिन यार बहुत तकड़ा फ़ोन है, कैमरा फ़ोन है, गेमिंग फ़ोन है, 8 GB रैम है अपनी एक्सटेंड के अलावा, अपनी फिजिकल रैम 8 GB है, 128 GB इसकी मेमोरी है, दिखता भी अच्छा है, बहुत अच्छा फ़ोन है भाई। अगर ये लेने जा रहे हैं ना 28,500 में मिल जाएगा, आपका भाई बता रहा है। इसके कलर भी बहुत अच्छे हैं और कैमरा वाइज भी अच्छे हैं, 50 MP बैक कैमरा, 32 MP जो इसका सेल्फी कैमरा होता है और एवरीथिंग, सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी है, कम पैसों के हिसाब से तकड़ा फ़ोन है। इस पर भी ऑफर लगी, 28,500 में जाए और ले जाए, ओट 40i लेने जा रहे हैं। थर्ड नंबर की बात करूँ, रियलमी का ही फ़ोन आता है C51, ये कितने का हो गया था, 4/64 वाला, 28 हज़ार रुपये का, 28 का अब आपको मार्केट में बआसानी 23,500 में मिल जाएगा, जिसका चार्जर भी 33 वोल्ट का। अगर आप 4/64 वाला वेरिएंट लेने जा रहे हैं ना, C51 ले लो, 23,500 में बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन है। ऐसे तो Note 50 भी प्राइस कम हुआ, लेकिन Note 50 से काफ़ी तकड़ा मोबाइल फ़ोन है, वो 13 MP है Note 50, और Realme C51 50 MP है, उस पर चार्जर आता है 10 वोल्ट का, इस पर चार्जर आता है Realme C51 में 33 वोल्ट का, थोड़ा बहुत फ़र्क है C51 और C53 में, बाकी भाई C51 भी अच्छा फ़ोन हो। और इसी में 4/128 वाला लेने जा रहे तो भाई 30 हज़ार रुपये का हो गया था Realme C51 4/128 वाला, अब मार्केट में आपको बआसानी मिल जाएगा दोस्तों 26 हज़ार रुपये में। ये भी 50 MP है और 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर आता है, भाई अच्छी चीज़ है, तकड़ी चीज़ है। जब ये महंगा हुआ था ना, लोग एहसास कर रहे थे यार आसिफ भाई C51 चाहिए, प्राइस कुछ कम हो जाएंगे, तो भाई प्राइस कम हो गए ले ले भाई, बड़ी बड़ी ऑफर लगी हुई, आसरा ना करे, मार्केट में जाए कहीं से भी ले ले। ये तो हो गया मीडियम रेंज वाले मोबाइल फ़ोन, आपने देख लिए अच्छे लगे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि यार बड़े मोबाइल फ़ोन पर किस पर ऑफ़र लगी है, भाई ऑफ़र तो नहीं लगी है लेकिन भाई प्राइस कम हो गए। प्राइस कैसे कम हुआ, मैं बात करूँगा इनफिनिक्स Note 40 की। Note 40 भाई प्राइस इंक्रीज़ होने के बाद 55 से 56 हज़ार रुपये मार्केट में मिल रहा था। LED में आता है, स्क्रीन पर फिंगर है, G99 का प्रोसेसर है, गेमिंग मोबाइल फ़ोन है, कैमरा मोबाइल फ़ोन है, तमाम चीज़ें इसके अंदर अच्छी है। वायरलेस चार्जर पहले आता था, अभी नहीं मिलता है इसके साथ, लेकिन भाई ये 55-56 हज़ार रुपये का था। अभी अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे ना
तो बड़ी ऑफर लगी 47,500 में मिल रहा है भाई, 47,500 में आपका भाई बता रहा है LED वाला फ़ोन नॉट 40 इन्फिनिक्स 47,500 में बासानी मिल जाएगा, इस पर भी ऑफर लगी है। जाए मार्केट में लेने तो भाई इसी प्राइस पे ले। और लास्ट में बात करूँगा इन्फिनिक्स हॉट 40, एक तो हॉट 40 आई इससे पहले मैं बताऊँगा, लास्ट में मैं बताऊँगा इन्फिनिक्स हॉट 40 जो कि गेमिंग मोबाइल है, मुकम्मल तौर पर गेमिंग इंजन प्रोसेसर है G88 का। आगे बात करूँ भाई इस पर फ्रंट कैमरा इसका तकरीबन 13 या 32 मेगापिक्सल कैमरा है, काफ़ी अच्छा मोबाइल फ़ोन है, पूरा आईफोन है, ट्रिपल कैमरा, ट्रिपल ये तो आईपीएस LCD लेकिन इसकी LCD काफ़ी अच्छी है, पंच होल कैमरा है, टाइप सी का जैक है, 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर आता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई। अगर आप हॉट 40 लेने जा रहे हैं तो बासानी ले ले, ज़बरदस्त ऑफर है, ये आपको मिल जाएगा तकरीबन 34,500 से 35,000 रुपये मार्केट में, जो कि 42,000 रुपये में हो गया था टैक्स लगने के बाद। तो भाई हॉट 40 के भी सक्रिय प्राइस कम हुए मार्केट में नहीं बिकते तो भाई ये हाल होता है, और हम आपको अपडेट देते हैं ताकि आप पुराने प्राइस पर ना लें, आपका नुकसान ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, और आखिर में बता दूँ भाई रियलमी C63 6128 वाला भी 38,000 से 40,000 में मिल रहा था, उसके भी प्राइस इतने बड़े नहीं है, 35,000 में बासानी मार्केट में मिल रहा है, ठीक है, मैं आपको बता दूँ रियलमी C63 जो नया है। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को लाइक मारें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।